तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज नथिंग बट अ फोर्स विच अपोजेस मोशन। तो मोशन को अपोज करने वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। सो इफ यू हैव अ बॉडी विच इज मूविंग, एंड बाय द वे फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ फोर्स विच इज कॉन्टैक्ट फोर्स। याद है कि हम लोगों ने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, उसमें एक था कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जिस्ट ओनली वेन टू सर्फेसिस आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो एक सरफेस के ऊपर से मूव हो रहा है या उसके ऊपर रखा है, तो इन सच केस देयर इज अ फोर्स ऑफ अपोजिशन टू द मोशन विच इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बेसिकली अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब फ्रिक्शन में होते हैं तीन टाइप, तो पहले अच्छे से समझ लो कि कौन से तीन टाइप है। एक्चुअली दो ही टाइप है बट इसको हम तीन में कैटेगराइज करेंगे, तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा देता हूँ। तो लेट अस से एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एंड देन इस ऑब्जेक्ट पे हम लोग लगा रहे हैं फोर्स। तो वी आर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट। इसको मैं फिलहाल पी से डिनोट करूंगा। तो यहां पे जो एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया दैट इज डिनोटेड बाय पी। यू अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट बट द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। आइडली स्पीकिंग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से जब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो तो उस केस में द बॉडी शुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। तो बॉडी ने लीनियर मोशन परफॉर्म करना चाहिए, मतलब इस बॉडी का एक्सेलरेशन होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बॉडी और सरफेस इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट इज इफ यू रिमेंबर एडहेसिव फोर्स। तो बॉडी और सरफेस दोनों अलग अलग टाइप है, एंड इफ यू रिमेंबर हमने दो टाइप के फोर्सेस डिफाइन किए थे, कोहेसिव एंड एडहेसिव। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस या फिर सेम टाइप, उसको तुम बोलते हो कोहेसिव। फॉर एग्जाम्पल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वन वाटर मॉलिक्यूल एंड अदर वाटर मॉलिक्यूल इज कोहेसिव फोर्स, और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट सब्सटेंसेस, उसको हम लोग बोलते हैं एडहेसिव। तो अगर आपको याद होगा मैंने आपको थ्योरी में एग्जाम्पल भी दिया था और यहाँ पे है अभी। तो अगर ये वाटर बॉटल को मैं ऐसा उल्टा कर देता हूँ विद द कैप ओपन, तो पानी सारा का सारा बाहर, राइट? ऐसा क्यों हुआ? ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, वो तो बात सही है, लेकिन इवन आफ्टर दैट ये जो बॉटल का सरफेस है इसको थोड़ा सा पानी हमेशा स्टिक होके रहता है। दैट इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस ऑफ बॉटल। ऐसे फोर्सेस को आप बोलते हो एडहेसिव फोर्स। तो जब दो सरफेस कॉन्टैक्ट में है, इन दैट केस दोनों सरफेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्स। तो हमने जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, बॉडी फिर भी मूव नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया इट इज अनेबल टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू सर्फेसेस ब्लॉक एंड द सर्फेस। तो याद रखना, तो ये फ्रिक्शन मतलब अपोजिशन क्यों आया? इट इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द ब्लॉक एंड द सर्फेस। तो ये जो पी फोर्स है दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। अब हम एक काम करेंगे, हम इस पी फोर्स को बढ़ाते जाएंगे। तो आप फोर्स को बढ़ा रहे हो, बॉडी फिर भी मूव नहीं हो रहा। बॉडी मूव नहीं हो रहा है मतलब यहाँ पे एक अपोजिशन का फोर्स था जिसको हमने फ्रिक्शनल फोर्स बोल दिया। तो ये जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एज आई टोल्ड यू फ्रिक्शन में तीन टाइप है। सबसे पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिफाइन कैसे करेंगे? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस अंटिल द ब्लॉक डज नॉट मूव ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नाम में ये स्टैटिक, तो आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट सफिशियंट इनफ टू ओवरकम फ्रिक्शनल फोर्स, तो बॉडी मूव नहीं होगा। तो बॉडी मूव नहीं होगा उस केस में जितना भी फ्रिक्शनल फोर्स, उसको क्या बोलोगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस कब, जब तक वो बॉडी रेस्ट पे है उसको क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर हम लोग क्या करते हैं इसके बाद, व्हाट वी डू इज मैं ग्राफ ही प्लॉट कर देता हूं, एंड रिमेंबर बिकॉज वी आर रिवाइजिंग थोड़ा सा क्विक होगा। हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अप्लाइड फोर्स प्लॉट कर लेंगे। अप्लाइड फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स,
राइट, और यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स प्लॉट करेंगे। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर बेसिकली प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने अप्लाइड फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगाया था, ऑब्जेक्ट वॉज नॉट मूविंग, तो हमने बोला फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर मैंने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी, द ऑब्जेक्ट स्टिल डज नॉट मूव, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ऐसा क्यों हो रहा है? आप जितना फोर्स बढ़ाते जाओगे, जितना अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे, उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आपको पता है जो मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस एक्ट होते हैं ना, यहाँ पे ब्लॉक और सरफेस के मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। आप जितना ट्राई करोगे उनको सेपरेट करने का, उतना ही उनका अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ता है। अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ना मतलब क्या बढ़ना? फ्रिक्शन बढ़ना। तो द मोर इज द अप्लाइड फोर्स, द मोर इज द फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस स्ट्रेट लाइन टेल्स यू दैट तुम जितना अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हो, उतना ही क्या बढ़ता जा रहा है? फ्रिक्शन। यहां तक क्लियर? राइट, गुड। फिर हमने अप्लाइड फोर्स और बढ़ा दिया, हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते गए, तो एक स्टेज ऐसा फाइनली आएगा जहां पे द बॉडी विल जस्ट मूव। अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, इसने सिर्फ मोशन का टेंडेंसी शो किया है कि हमने अप्लाइड फोर्स इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम होने लगा, तो द बॉडी विल जस्ट मूव। राइट, रिमेंबर, जस्ट मूव मतलब अब तक मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, बट द बॉडी इज शोइंग द टेंडेंसी ऑफ मोशन। ये जो फोर्स है जिसपे बॉडी जस्ट मूव होता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है, उसको तुम बोलते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको? लिमिटिंग फ्रिक्शन। राइट, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट विच द बॉडी जस्ट मूव्स इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहां पे आ जाएगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। और यहाँ पे वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई सेड जस्ट मूव, मोशन जस्ट अभी स्टार्ट होगा। तो जस्ट जब ये वर्ड यूज करते हो तो एक्सेलरेशन सिस्टम का जीरो होता है। तो इस केस में देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो जो सेकेंड टाइप ऑफ फ्रिक्शन मैं बता रहा हूँ, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का ही एक टाइप है, बट इसको हम अलग से ही ट्रीट करने वाले हैं। तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, अब हमको ये पता करना था कि ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एग्जैक्टली कितना है। तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा, उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू, जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट लिखते हो, इसको बोलते हैं म्यू एल, व्हिच इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एक ही बात है। क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम वैल्यू है, तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में जो म्यू एल आता है, उसको क्वेश्चन में कहीं पे बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कहीं बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एक ही चीज है, यू आर नॉट सपोज टू गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू थिंग्स। और अगर आपको याद होगा, इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन आर, वो क्या आता है? इक्वल टू एम जी। तो आर की वैल्यू एम जी आएगी अगर, इफ एंड ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन विथ सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऑब्जेक्ट है, उस केस में आर की जगह पे क्या लिखोगे? एम जी, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर? राइट, फिर इस फॉर्मूला से यू कैन ऑल्सो मेक अप द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू दैट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। सिंस ये दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, तो इट इज सपोज टू बी डायमेंशन लेस। ये एक प्योर नंबर आएगा, इट इज डायमेंशन लेस। यहां तक क्लियर? पक्का पक्का, गुड। अब होता क्या है, एक बार ऑब्जेक्ट मूव होने लगा,
तो हमने क्या किया, एक सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट को रखा था, फिर हमने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, तो उस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था उसको बोल दिया स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर हमने अप्लाइड फोर्स और बढ़ा दिया, बढ़ाते गए, एक स्टेज ऐसा आएगा फॉर सम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स द बॉडी विल जस्ट मूव, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड देन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एल इनटू नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू एल इज एफ एल बाय आर, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू दैट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, और अगर आपको याद होगा हमने द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मूविंग ऑब्जेक्ट इसको बोला था काइनेटिक्स। तो जब बॉडी एक सरफेस पे मूव होना स्टार्ट हो गया उस केस में जो फ्रिक्शन होगा उसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, मतलब बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, तो इन दैट केस द फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां पे उसको बोलते हैं काइनेटिक या फिर डायनामिक, दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। क्लियर है तक? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस व्हेन वन बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब तक बॉडी मूव नहीं हो रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी जस्ट मूव हुआ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और कंटिन्यूअसली मूव होने लग गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन। जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। इसके लिए अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस। तो व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू लिमिटिंग से कम है। मतलब इस लाइन के राइट साइड में ये काइनेटिक फ्रिक्शन का कर्व है, ओके? सो ऑन द राइट ऑफ दिस लाइन यू हैव काइनेटिक फ्रिक्शन, ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस लाइन यू हैव स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कोई भी टाइप का हो, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। मैंने यहां पे F के लिखा क्योंकि यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के इनटू आर, एंड म्यू के इक्वल टू एफ के बाय आर। तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू दैट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। यहां तक क्लियर? अब काइनेटिक फ्रिक्शन में भी दो टाइप है, वो मैं फिलहाल सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा, वी विल नॉट गो इनटू थ्योरी ऑफ दैट। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये स्लाइडिंग और रोलिंग में डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव नोटिस्ड, मैंने जो पहला एग्जाम्पल लिया था उसमें एक सरफेस था, सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक था, ब्लॉक वॉज क्यूबिकल इन शेप, काइंड ऑफ अ क्यूब। आपको ये स्क्वायर दिख रहा होगा क्योंकि आप 3D को 2D में देख रहे हो, बट इट्स लाइक अ क्यूब, लाइक अ बॉक्स बेसिकली। तो ऐसे केसेस में द बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस, यहां पे जो बॉडी है ये स्लाइड होगा। बट इफ आई हैव अ बॉडी इन द शेप ऑफ अ स्पीयर, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है जैसे कि एक स्पीयर है, व्हेन इट मूव्स ऑन द सरफेस इट रोल्स। तो यहां पे आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन को बोल देंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और यहां बोल देंगे रोलिंग फ्रिक्शन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी समझ लो। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में बॉडी का कोई भी पार्टिकल हो, इस बॉडी का कोई भी पार्टिकल हो, ईच पार्टिकल परफॉर्म्स प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन। जब बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा तो ऑल द पार्टिकल्स विल गो इन अ स्ट्रेट लाइन। बट इन केस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन सिर्फ सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट है विच परफॉर्म्स ट्रांसलेशनल मोशन, ऑल अदर पार्टिकल्स विल परफॉर्म रोटेशनल मोशन। सो रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। एंड रिमेंबर, ये आपको चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स में लगने वाला है 12th के, तो यू शुड हैव दिस बेसिक आइडिया। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैन फर्दर बी डिवाइडेड इन टू 2 पार्ट्स, एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। तो ओवरऑल यू शुड नो फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस मोशन।
उसमें तीन टाइप है, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन इज व्हेन द बॉडी इज नॉट मूविंग एट ऑल, आपने फोर्स अप्लाई कर दिया लेकिन अप्लाइड फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम फ्रिक्शन। दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाने लग गए फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स द बॉडी विल जस्ट मूव, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद द बॉडी विल मूव ऑन द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी, इन दैट केस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन ये सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है, राइट। अब ऐसा उसका रीज़न सिंपल सा है, जब तक बॉडी मूव नहीं हो रहा था तो जो एडहेसिव फोर्सेस थे बिटवीन द ब्लॉक एंड द सर्फेस ये स्ट्रॉन्गर थे। एक बार बॉडी अगर मूव होना स्टार्ट हो गया तो जो एडहेसिव फोर्सेस है ये थोड़े से कम हो जाते हैं, दैट इज वाई देर इज लेस फ्रिक्शन। एंड इफ यू रिमेम्बर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में मैंने आपको बताया था देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल फोर्सेस, उसमें से एक था टाइम डिपेंडेंट, एक था पोजिशन डिपेंडेंट, एक था वेलोसिटी डिपेंडेंट। तो फ्रिक्शन फोर्स इज अ टाइप ऑफ वेलोसिटी डिपेंडेंट। अगर वेलोसिटी जीरो है तो फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक है। अगर वेलोसिटी मॉडरेट है, स्मॉल वैल्यूज है, तो कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, बिकॉज ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है ना। वेलोसिटी होना मतलब ऑब्जेक्ट मूव होना, राइट। और अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गया तो फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो ब्लॉक सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट ही छोड़ देता है, राइट। तो यू नीड टू रिमेंबर इट इज अ फोर्स विच डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। तो आई होप यहां तक क्लियर है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसके आगे, इस पॉइंट के आगे बहुत सारे आपको इक्वेशंस आएंगे, बहुत सारा मैथमेटिक्स करना है, दैट इज व्हाई यू नीड टू पे कंप्लीट अटेंशन हियर। तो नेक्स्ट डेफिनेशन दैट यू विल नीड इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल टॉपिक है, सिर्फ ऑफ कोर्स थोड़ा सा मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड रहेगा इसके आगे। हमारे पास एक सरफेस था, इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया। अब तक व्हाट यू हैव लर्नड इज, जैसे तुमको मैंने बताया था कि तुम एक बेंच पे बैठे हो, तो यू आर एन ऑब्जेक्ट विच इज सिटिंग ऑन अ बेंच, योर वेट इज एक्शन, और बेंच तुम पे क्या लगाता है, रिएक्शन। तो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बेंच ऑन यू, नॉर्मल रिएक्शन। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट। लेकिन अब एक नहीं दो फोर्सेस होंगे, क्योंकि फ्रिक्शन ये भी सरफेस ही लगा रहा है, किस पे, ब्लॉक पे। सो व्हेन यू हैव रफ सरफेसेस, रफ मतलब फ्रिक्शन होना और स्मूथ मतलब फ्रिक्शन नहीं होना। तो जब आपके पास एक रफ सरफेस हो तो ये जो सरफेस है ये ब्लॉक पे दो फोर्सेस लगाता है, ऑफ कोर्स एक है रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन आर। हाँ, डेफिनेटली ऑफ कोर्स वेट को किसने बैलेंस कर लिया, नॉर्मल रिएक्शन ने। और एक फोर्स है विच इज फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो, चाहे वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो, चाहे वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो, चाहे वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो, या फिर वो रोलिंग फ्रिक्शन हो। मैं ये पूरे थ्योरी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स अज्यूम करूंगा दैट द बॉडी इज ईदर मूविंग टू द राइट और द अप्लाइड फोर्स इज टू द राइट। अगर बॉडी राइट साइड में मूव हो रहा है या अप्लाइड फोर्स राइट में है, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, लेफ्ट में। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे होगा। एंड रिमेंबर, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा होता है जहां पे दो सर्फेसिस का कॉन्टैक्ट हो। लेकिन क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर को आप जहां चाहे वहां मूव करके रख सकते हो, कंडीशन एक ही था, यू शुड नॉट चेंज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैंने इसको उठा के यहां रख दिया, ठीक है, इसको बोल दिया मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग भी हो सकता है, ये स्टैटिक भी हो सकता है, ये काइनेटिक भी हो सकता है। इसके लिए मैं सिर्फ जनरल F लिख रहा हूं यहां पे, I'm just writing down F, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं बोला कि बॉडी जस्ट मूव हुआ, कि बॉडी मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, व्हाटएवर इट इज, दिस इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इट कैन बी स्टैटिक फ्रिक्शन, इट कैन बी काइनेटिक फ्रिक्शन, इट कैन बी लिमिटिंग फ्रिक्शन। सिर्फ इतना आइडिया होना चाहिए दैट वी आर अप्लाइंग अ फोर्स टू द राइट, तो फ्रिक्शन इज टू द लेफ्ट। तो एज यू नोटिस यहां पे सरफेस ने ब्लॉक पे दो फोर्सेस लगाए, कौन से दो, एक नॉर्मल रिएक्शन
और एक फ्रिक्शन। तो सरफेस ने ब्लॉक पे जो दो फोर्सेस लगाए उसका रिजल्टेंट, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहाँ जाता है? अलोंग द डायगोनल। तो ये आ गया रिजल्टेंट, राइट। इस रिजल्टेंट को मैं बोलता हूँ एस। तो ये जो रिजल्टेंट है ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे उसको? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो डिफाइन कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, एक्सट्रीम सिंपल। द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स किसका? रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक। क्योंकि ये रिजल्टेंट किसका था? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक पे किसने लगाया? सरफेस ने। तो डिफाइन करते वक्त मेक इट सिंपल, द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ किसका? रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। याद रहेगा, द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सिंपल। इसका हमको फॉर्मूला चाहिए और इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे बहुत यूज होगा। अब फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? इट्स डैम सिंपल थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया, आई कैन मूव दिस वेक्टर वेयर एवर आई वॉन्ट। तो इसको मैं यहाँ पे भी दिखा सकता था। अगर इसको मैंने सामने शिफ्ट करके दिखाया होता तो थीटा को अपोजिट साइड कौन है? फ्रिक्शन। और एडजेसेंट कौन है? नॉर्मल रिएक्शन। तो व्हाट इज टैन थीटा? टैन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। वेरी गुड। तो एफ बाय आर। बट यू नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज न्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। वो तो अब भी देखा ना तुमने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज न्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो, चाहे वो लिमिटिंग हो, या फिर काइनेटिक हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू आर अपॉन आर ये हो गया कैंसल। तो टैन थीटा कितना आ गया? म्यू। सो टैन थीटा इज म्यू। इसका मतलब म्यू इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ थीटा। चलो ये सिर्फ याद रखने के लिए काम में आएगा आपको, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, सॉरी, थीटा इज टैन इनवर्स ऑफ म्यू, उल्टा है, थीटा इज टैन इनवर्स ऑफ म्यू। ये सिर्फ याद रखना, यू विल नीड दिस लेटर। याद है? क्लियर। तो व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? टैन इनवर्स ऑफ म्यू, वेयर म्यू इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। नहीं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑप्टिक्स में होता है, ये आता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इट कैन बी कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग या फिर काइनेटिक। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। अब हमको निकालना है ये जो रिजल्टेंट फोर्स है एस, इसका फॉर्मूला। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखोगे, द नेक्स्ट टॉपिक इज रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक। रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड, किसने एक्सर्ट किया? सरफेस ने। किस पे किया? ब्लॉक पे। तो बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक। एंड अगेन इट इज वेरी सिंपल बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ डायग्राम विच इज टेलिंग अस कि ये जो ब्लॉक पे सरफेस ने फोर्स लगाया वो कौन कौन था? एफ और आर। उसका रिजल्टेंट कौन है? एस। फिर अगर आपको याद होगा कि दो फोर्सेस अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट होता है, इफ यू रिमेम्बर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नहीं भी याद हो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एस इज हाइपोटेन्यूज, आर इज वन साइड एंड एफ इज अदर साइड। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो एस स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। या फिर अगर आपको याद होगा, आपने 11th के सेकेंड चैप्टर में सीखा है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे ए मतलब एफ, बी मतलब आर, और दोनों में एंगल मतलब 90। तो अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू एफ आर कॉस ऑफ 90, कॉस 90 इज 0, इसलिए वो लिखा ही नहीं तीसरा टर्म। यहाँ तक क्लियर?
तो s इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर, लेकिन f क्या होता है म्यू आर, तो म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, गुड। तो देयरफॉर s इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर, अभी इसमें से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा म्यू स्क्वायर प्लस वन। तो देयरफॉर s इक्वल टू आर स्क्वायर का रूट हो गया r अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस वन। देयरफॉर s इक्वल टू r क्या होता है mg अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस वन। सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक। चलो एक बात और बताओ मेरे को, अगर यहां पे फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता मतलब सरफेस स्मूथ होता, तो उस केस में सरफेस ब्लॉक पे कौन सा फोर्स और कितना फोर्स एग्जर्ट करता? ओनली नॉर्मल रिएक्शन एंड दैट वुड बी एम जी। वो कब? जब फ्रिक्शन नहीं हो। फ्रिक्शन नहीं होना मतलब म्यू की वैल्यू क्या होना? जीरो। तो डाल के देख लो जीरो, पुट जीरो हियर, क्या आएगा? जीरो प्लस वन वन, रूट ऑफ वन इज वन, तो कितना आ गया? एम जी, सही है। और इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन वॉट इज रिजल्टेंट? mg अंडर रूट ऑफ, इसका मतलब जो सरफेस ब्लॉक पे फोर्स लगाता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg एंड लेस देन और इक्वल टू mg इनटू म्यू स्क्वायर प्लस वन। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स, mg रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस वन इज द मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन द ब्लॉक इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, and mg is the minimum force exerted by the surface on the block in absence of friction. तो ये range आ गया, इस पर भी question आया है, NEET में question आया था, what is the range of force exerted by a surface on the block? तो ये range आ गया from mg to mg into mu square plus वन, good। तो theory पे questions बनते हैं और specifically NEET जैसे exam में तो theory पे ही ज़्यादा question बनते हैं for physics also। 10 से 12 क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं जो थ्योरी में से ही आ जाता है, तो अब ये पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर? इज दिस क्लियर? पक्का पक्का? तो अगला टॉपिक हमको जो देखना है दैट इज एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। अब फिलहाल इस एंगल ऑफ रिपोज को मैं लैम्डा से डिनोट करूंगा फिलहाल, क्योंकि दिस एंगल ऑफ रिपोज टर्न्स आउट टू बी थीटा इटसेल्फ, मतलब एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन सेम हो जाता है। कैसे तो देखते हैं, पहले तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है वो समझ लो। एंगल ऑफ रिपोज तुम हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए डिफाइन नहीं करते हो, यू डिफाइन ओनली फॉर इंक्लाइंड प्लेन्स। तो सबसे पहले यह चीज क्लियर होनी चाहिए दैट व्हेन यू टॉक अबाउट एंगल ऑफ रिपोज इट इज फॉर इंक्लाइंड प्लेन्स। नाउ द आइडिया हियर इज, मैं इसको लैम्डा बोलता हूं फिलहाल टेम्पररीली, अगर ये सरफेस स्मूथ होता, अगर ये सरफेस स्मूथ होता तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एंगल, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना भी हो, द ब्लॉक विल स्लाइड डाउन, होगा ना ऐसा। मैंने जैसे इस सरफेस को ऊपर उठाया, अगर सरफेस स्मूथ है तो ब्लॉक नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? यू रिमेंबर यहां पे कंपोनेंट था एम जी, हाँ साइन थीटा, यहां पे एम जी साइन लैम्डा। तो ये जो ब्लॉक है इट स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन इफ द सरफेस इज स्मूथ बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट विच इज एम जी साइन लैम्डा। यहां तक क्लियर? बट जब सरफेस स्मूथ नहीं हो मतलब वहां पे फ्रिक्शन हो, तो उस केस में किसी भी एंगल पे ये ऑब्जेक्ट स्लाइड डाउन नहीं करेगा, इट हैपेंस ओनली एट अ पर्टिकुलर एंगल। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप एंगल बढ़ाते जा रहे हो, ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग डाउन। क्यों? क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन क्या होता है? अपोजिंग फोर्स होता है, अपोजिंग फोर्स होता है। तो आपने इंक्लाइन प्लेन का एंगल बढ़ा दिया, द ब्लॉक स्टिल डज नॉट स्लाइड डाउन, और बढ़ा दिया, द ब्लॉक स्टिल डज नॉट स्लाइड डाउन, आपने और बढ़ा दिया, फाइनली एट सम एंगल, एट सम पर्टिकुलर एंगल दिस ऑब्जेक्ट जस्ट मूव्स, जस्ट जस्ट, याद रखना इधर एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन में, मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, एवरी सिंगल वर्ड विल मैटर, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो इट इज द एंगल मेड बाय इंक्लाइन प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल फॉर विच द ऑब्जेक्ट जस्ट मूव्स, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलेंगे इसको?
एंगल ऑफ रिपोज। तो लैम्बडा ये एंगल ऑफ रिपोज है, मतलब इतने एंगल के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है जस्ट मूव होगा। मतलब अगर मैंने एंगल और बढ़ा दिया तो वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, क्योंकि द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग डाउन। और अगर कम कर दिया तो बॉडी मूव ही नहीं होगा, क्योंकि वहां पे वो था स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां तक क्लियर है? स्मूथ सरफेस उसमें किसी भी एंगल के लिए, इवन इफ यू टेक वेरी स्मॉल एंगल, द बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन बिकॉज देर इज नो अपोजिशन टू द मोशन। बट इन केस ऑफ फ्रिक्शन, मतलब रफ सर्फेसेस, एट अ पर्टिकुलर एंगल, किसका एंगल? ऑफ द इंक्लाइन प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, द बॉडी जस्ट मूव्स एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। ये भूलना नहीं है। अब नाउ इफ यू रिमेंबर, यहां पे आपका आता है नॉर्मल रिएक्शन और यहां पे होता है एम जी कॉस लैम्बडा। थीटा बोलते हैं, यहां पे मैंने एंगल को लैम्बडा बोल दिया है, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन के केस में प्रॉब्लम क्या है ना, थीटा इज रिजर्व फॉर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन अलग था। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल रिएक्शन। यहां पे थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए रिजर्व करके रखा है आपने, इसके लिए मुझे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का नया सिंबल यूज करना पड़ रहा है। जब फ्रिक्शन नहीं होता है तब आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को थीटा बोलते हो, बट रिमेंबर दैट इज इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन है तो थोड़ा सा नोटेशन चेंज होगा, तो थीटा इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आगे हमको यूज करना है तो थीटा। यहां तक क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? गुड। अब यू शुड नो, अब जो मैं बता रहा हूं ना, इसके आगे हमको 6-7-8 टॉपिक आज कवर करने हैं, उन सब में स्टैंडर्ड प्रोसीजर याद कर लो। फ्रिक्शन बहुत डिफिकल्ट लगता है पर है नहीं। अब क्यों नहीं है? बिकॉज इफ यू स्टडी इट प्रॉपरली, ऑफकोर्स इट इज टू सिंपल। तीन स्टेप है फ्रिक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने में या फ्रिक्शन के फॉर्मूला डिराइव करने में, तीन ही स्टेप है। स्टेप नंबर वन, व्हाट इज फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन? म्यू आर। वो तुमने पहले पेज पे सीख लिया। इसके लिए स्टार्ट यहां से किया मैंने कि ये तुम अभी भूलो मत, चाहे वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो चाहे वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो। तो ऑलवेज एफ इक्वल टू म्यू आर, इक्वेशन नंबर वन, करेक्ट। इसके बाद क्या करना पड़ता है आपको? इसके बाद जो भी तुम्हारे पास डायग्राम है वहां से एफ निकालो और वहां से आर निकालो और यहां सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। जस्ट मूव का केस मतलब क्या होता है कि ये जो एम जी साइन लैम्बडा था इसको किसने बैलेंस कर लिया, तो एफ क्या बन गया? एफ इक्वल टू एम जी साइन लैम्बडा, इक्वेशन नंबर टू। और नॉर्मल रिएक्शन क्या है? वेरी गुड, तो एम जी कॉस लैम्बडा, इक्वेशन नंबर थ्री। तो ये इक्वेशन टू और थ्री को कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे? वन में। तो फ्रॉम वन टू एंड थ्री, फ्रॉम वन टू एंड थ्री यू विल हैव एफ की जगह पे तुम लिखोगे, एफ की जगह पे तुम लिखोगे एम जी साइन लैम्बडा इक्वल टू म्यू एम जी कॉस लैम्बडा। वेरी गुड, एम जी कैंसल, ठीक है। तो साइन लैम्बडा अपॉन कॉस लैम्बडा इक्वल टू क्या आ गया? म्यू। लेकिन साइन लैम्बडा अपॉन कॉस लैम्बडा इज, और म्यू क्या था? टैन थीटा। तो इसका मतलब क्या आ गया? लैम्बडा इक्वल टू थीटा। मतलब ये एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू और एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू सेम है, राइट? करेक्ट। तो एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? तो नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी अगले टॉपिक में हमको देखना है कैलकुलेशन ऑफ नेसेसरी फोर्सेज इन डिफरेंट कंडीशंस। वेरी गुड। यहां पे भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्यों? क्योंकि कुछ चीजें आपसे एक्सपेक्टेड होती है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड टॉपिक के टाइटल में बोलने का क्या मतलब है, वो आपको समझना पड़ता है। तो इन्होंने टाइटल में ऐसा लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ नेसेसरी फोर्स इन डिफरेंट कंडीशंस। इसका मतलब क्या पहले वो समझ लो। अगेन लुक एट दिस डायग्राम एंड दैट वन ऑल्सो, कोई भी एक ले लो, ये ले लो या फिर कोई भी और डायग्राम उठा लो आप, जिसमें एक सरफेस उसके ऊपर ब्लॉक है। मैंने आपको अभी भी बोला
कि हम जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी डज नॉट मूव. क्यों? क्योंकि जो तुमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया दैट इज नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम फ्रिक्शनल फोर्स. सही. देन यू इंक्रीज द फोर्स. एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पे एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. उस केस में द बॉडी, तो यहां पे वही बोला है कैलकुलेशन ऑफ नेसेसरी फोर्स इन डिफरेंट कंडीशन. मतलब क्या? कैलकुलेशन ऑफ नेसेसरी फोर्स टू जस्ट मूव द ऑब्जेक्ट. और जस्ट मूव मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? जीरो. ये याद रखना, नहीं तो अदरवाइज यू विल बी सो कंफ्यूज कि कहां पे एक्सेलरेशन लेना है कहां पे नहीं लेना है. जब इन्होंने बोला है कैलकुलेशन ऑफ नेसेसरी फोर्स, तो नेसेसरी फोर्स टू जस्ट मूव द ऑब्जेक्ट, हमको ऑब्जेक्ट को जस्ट मूव करना है, मतलब हमको सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन तक आना है. वी विल नॉट गो इन टू काइनेटिक फ्रिक्शन. और काइनेटिक फ्रिक्शन तुम जान ही रहे, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं, ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं तो वेलोसिटी ही जीरो, वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो है, राइट. तो यहाँ पे जब आप बोलते हो आई वुड से कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम फोर्स. मिनिमम फोर्स मतलब द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव एन ऑब्जेक्ट. तो इसमें पहला है मिनिमम पुलिंग फोर्स एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल. तो मिनिमम पुलिंग फोर्स पी एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल टू द हॉरिजॉन्टल, एक ही बात है. तो पहले केस क्या है वो समझ लेते हैं. अब मिनिमम पुलिंग फोर्स मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुल एंड पुश. पुल मतलब खींचना और पुश मतलब धक्का देना. तो यहाँ पे पुलिंग फोर्स है. तो पुलिंग फोर्स हम लोग बाय डिफॉल्ट एज अ रूल ऐसा इमेजिन करके चलते हैं टू द राइट है. सबसे पहले इवन बिफोर आई ड्रॉ फोर्सेस हियर, पुल फोर्सेस, अगर ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे रेस्ट पे है तो विच आर द फोर्सेस एक्टिंग. एक है mg, मतलब अभी इसके आगे मैं w बोल दूंगा इसको, वेट, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. उसको किसने बैलेंस कर लिया? नॉर्मल रिएक्शन ने. वेरी गुड, सही है. अब इस पे हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स. कौन सा फोर्स? पुल फोर्स. और पुल फोर्स ने एंगल कितना बनाया? सम एंगल अल्फा. अल्फा यूज करेंगे हम, थीटा नहीं यूज कर सकते. क्यों नहीं यूज कर सकते? मैंने अब भी बताया थीटा किसके रिजर्व करके रखा तुमने? एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो फिर थीटा मैं नहीं यूज कर पाऊंगा. मैंने ये एक डमी लाइन ड्रॉ कर ली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया है. क्यों किया है? क्योंकि मुझे कंपोनेंट्स करने हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फोर्स था पुल फोर्स, और एज यू कैन सी पुल फोर्स मतलब खींचने वाला फोर्स. तो डायरेक्शन देख लो अच्छे से, ये एंगल कितना? अल्फा. गुड गुड. इसका कंपोनेंट कर देंगे, विच कंपोनेंट? कॉस. और यहां पे भी एक कंपोनेंट आएगा, विच? साइन. गुड. तो दिस इज पी कॉस अल्फा एंड दिस इज पी साइन अल्फा. फाइन, पी साइन अल्फा. तो यह आ जाएगा आपके पास पी साइन अल्फा, राइट. हो गए सारे फोर्सेस. हाँ, फ्रिक्शन में तुम फ्रिक्शन ही नहीं दिखा रहे हो. हाँ बोल रहे हो. टॉपिक कौन सा चल रहा है हमारा? तो फ्रिक्शन कहाँ है? पीछे ही. पीछे मतलब मोशन को अपोजिट. तो यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा, नहीं तो हो गया फ्रिक्शन चैप्टर है और फ्रिक्शन ही गायब है ना. होता है बहुत बार ऐसा. सम स्टूडेंट सेज कि मेरे को ये टॉपिक में डिफिकल्टी देना है, इसे कि ठीक है कल रिवाइज कर दूंगा, और वही गायब हो जाता है. तो द सेम सिचुएशन. यहाँ ध्यान दो. गुड. हमको क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? मिनिमम पुलिंग फोर्स पी, मतलब तुमको किसका इक्वेशन चाहिए? किसका चाहिए? पी का. ठीक है. एक्सेलरेशन राइट में होगा कि लेफ्ट में होगा? right. होगा ही नहीं. मिनिमम फोर्स में एक्सेलरेशन जीरो होता है, अभी तो बताया मैंने. जब तुम मिनिमम फोर्स की बात करते हो मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन. देयर इज नो एक्सेलरेशन एज ऑफ नाउ. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन दिखाना नहीं. मैं जानबूझ के 10 बार गलती करूंगा, तुम एग्जाम में मत करना इसके लिए. तो फ्रिक्शन चाहिए? यस. एक्सेलरेशन है? नो. क्योंकि तुम किसकी बात कर रहे हो? मिनिमम फोर्स. मिनिमम फोर्स मतलब द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन ओवरकम होने के बाद मोशन स्टार्ट होता है. क्लियर? लुक एट द डायग्राम एंड टेल मी विच फोर्स इज डूइंग व्हाट.
और मैंने स्टेप्स तो बता दिए ना, पहला स्टेप क्या था, एफ इक्वल टू म्यू आर, इक्वेशन नंबर वन. व्हाट इज एफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायग्राम? वेरी गुड, पी कॉस अल्फा, इक्वेशन नंबर टू. व्हाट अबाउट नॉर्मल रिएक्शन? इफ यू सी, नॉर्मल रिएक्शन प्लस पी साइन अल्फा इज बैलेंसिंग आउट वेट डब्ल्यू. तो व्हाट इज आर फ्रॉम हियर? W माइनस पी साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर थ्री. इसके बाद क्या किया था, इक्वेशन टू और थ्री को वन में सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो फ्रॉम वन टू एंड थ्री यू विल हैव F की जगह पे P cos अल्फा इक्वल टू म्यू, R की जगह पे वेट माइनस P साइन अल्फा. नाउ द क्लियर, बराबर. एंड बाय द वे ये पूरा डेरिवेशन मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से करवा रहा हूँ, हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या फाइंड करना है उस पर डिपेंड करता है. तो आई एम डूइंग ऑल दिस जस्ट फॉर यू टू नो हाउ टू डू द कंपोनेंट्स एंड हाउ टू मेकअप द फॉर्मूलाज. व्हाट इज म्यू? टैन थीटा. व्हाट इज टैन थीटा? साइन बाय कॉस. और जो बातें कर रहे हैं मेरा पूरा ध्यान है, you be ready because the question will be coming towards you very soon. Tan theta is sin theta by cos theta, so therefore I can write down p cos alpha equal to sin theta by cos theta w minus p sin alpha. और मैंने modules में सारे steps नहीं करके दिए, direct shortcut मारा है. Of course इंटेंशनल होता है वो, बिकॉज एवरीथिंग शुड नॉट बी स्पून फिटेड. ये कॉस थीटा को यहां ले लो, कॉस थीटा, साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर लो, तो डब्ल्यू साइन थीटा माइनस पी साइन अल्फा साइन थीटा. तुमको पी फाइंड करना है, जो चीज फाइंड करनी होती है उसको एक साइड पर रखना, बाकी सबको दूसरी साइड पर लेके जाना. तो पी वाले टर्म्स दोनों आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, पी कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस P साइन अल्फा साइन थीटा इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा. तो यहां से P कॉमन आ गया, कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा. कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज वॉट? कॉस ऑफ ए माइनस बी. वेरी गुड. तो यू विल हैव फ्रॉम हियर कॉस ऑफ ए मतलब अल्फा और बी मतलब थीटा, तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा माइनस थीटा. वेरी गुड, ओके फाइन. व्हाई नॉट आई कैन राइट डाउन, कैन आई राइट डाउन कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा? अल्फा माइनस थीटा क्यों? मैं कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा लिख देता हूं ना, तो फिर कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा की जगह पे कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा भी तो लिख सकते थे, एक ही बात हो गई ना, हुई कि नहीं एक बात? एक ही बात है. कॉस इज एन इवन फंक्शन. व्हाट इज इवन फंक्शन? इवन और ऑड फंक्शन भी समझ लो. फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल से लेते हैं, ऑड मतलब ऑड, इवन मतलब इवन. व्हाट इज, लेट अस से आई हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब. अब मैंने क्या किया, एक्स यहां पे माइनस एक्स डाल दिया, तो मेरे पास एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स की जगह पे मैंने माइनस एक्स डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब. तो डू यू नोटिस एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स, ऐसा हुआ ना. इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? और एक होता है इवन फंक्शन. मैं सिर्फ एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे फंक्शन ही सिर्फ ऑड फंक्शन होते हैं. साइन थीटा इज ऑल्सो ऑड फंक्शन, मैं बताता हूं क्यू, बट यू हैव टू ऑल्सो पे अटेंशन. What about this one? F of x equal to x square. तो अगर मैंने x का भी minus x लिखा, तो minus x का square is plus x square. तो क्या आ गया? F of minus x और f of x both have same values. इसको बोलते हैं even function. Correct? तो cos होता है even function. मतलब cos of minus pi by 2, cos of plus pi by 2 same है. Cos of minus pi by 4, cos of plus pi by 4 same value. साइन के केस में वैसा नहीं होता है. साइन ऑफ पाई बाई टू इज प्लस वन, बट साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू इज माइनस वन.
करेक्ट. तो साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन, साइन इज ऑड एंड कॉस इज, इसके लिए तुम यहाँ पे अल्फा माइनस थीटा लिखो या थीटा माइनस अल्फा लिखो, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, वैल्यू आपको सेम मिलने वाला है. आगे बात ध्यान में, फॉर एग्जाम्पल और अच्छे समझा देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल अल्फा की वैल्यू पाई बाई टू मतलब 90 डिग्रीज, थीटा की वैल्यू पाई बाय फोर मतलब 45 डिग्रीज. तो 90 में से 45 गया तो प्लस 45, अब उल्टा. थीटा माइनस अल्फा किया तो माइनस 45, और मैंने अभी बताया कॉस ऑफ प्लस 45 और कॉस ऑफ माइनस 45 सेम है. इसके लिए कॉस फंक्शंस जब आए तो टेंशन लेना ही नहीं, यू आर नॉट सपोज टू वरी अबाउट अल्फा माइनस थीटा की थीटा माइनस अल्फा, बिकॉज दे आर द सेम थिंग. थोड़ा सा और मैं डिटेल मैथमेटिक्स बता देता हूँ, बिकॉज यू विल एनीवेज नीड दिस, तो पता होना चाहिए. अब साइन ऑड और कॉस इवन क्यू, इसको तुम ग्राफ से भी समझ सकते हो. अगर मैं साइन का ग्राफ प्लॉट करूँ, ऑफकोर्स यहाँ पे मैं प्लॉट करने वाला हूँ एंगल्स. अगर आपको याद होगा जो होना चाहिए, वैसे ये साइन वेव होता है ना ऐसा, हाँ ऐसे होता है ना. दिस इज फॉर जीरो, दिस इज फॉर पाई बाई टू, दिस इज फॉर पाई, दिस इज फॉर थ्री पाई बाई टू, एंड दिस इज फॉर टू पाई, दिस इज वन साइकिल. और मुझे बताना पड़ता है क्योंकि तुमको ट्वेल्थ में ये सारा फिजिक्स में लगता है, इसके लिए मेरे को अभी बताना पड़ेगा, अदरवाइज गए. ये तो तुमने प्लस की बात कर ली, माइनस भी तो बताओ. माइनस 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 ऐसा आता है, मैंने अभी तो बोला साइन ऑफ प्लस पाई बाय टू इज प्लस वन, साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू इज, हाँ तो नीचे आएगा ये. ठीक, यहां तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लियर है. अब जब आप इसको y एक्सिस के अलोंग फोल्ड करोगे, क्या करोगे? फोल्ड करोगे, तो क्या होगा? अगर मैंने y एक्सिस के अलोंग फोल्ड किया तो क्या होगा? ऐसा होगा, हाँ राइट. तो क्रेस्ट इज ओवरलैपिंग विथ ट्रफ. ऐसे फंक्शंस होते हैं ऑड फंक्शंस, राइट. दे आर असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं है ये, असिमेट्रिकल है. याद है क्लियर? अगर आप कॉस का सोचोगे, कॉस का, तो कॉस में डिफरेंस क्या है बता देता हूँ वो भी. देख कॉस में क्या होता है ना, कॉस के केस में इंपॉर्टेंट है कॉस का केस. पहली बात तो कॉस ऑफ जीरो इज हाउ मच, वन. हाँ तो पहले ये पता होना चाहिए. तो यहां पे थोड़ा सा मेरे को शिफ्ट करने पड़ेंगे एंगल्स. ओके, तो ये जीरो एंगल पे वैल्यू है वन, दिस इज कॉस. अब वाई एक्सिस के अलोंग फोल्ड करो, सेम मतलब ईच पॉइंट ऑन द लेफ्ट साइड विल ओवरलैप विथ ईच पॉइंट ऑन द राइट साइड करस्पॉन्डिंग. ऐसे फंक्शंस होते हैं इवन फंक्शंस, गुड राइट. तो अभी याद रखना कॉस इज विच टाइप ऑफ फंक्शन एंड साइन इज विच टाइप ऑफ फंक्शन, ऑड. ओके गुड, तो गोइंग बैक हियर, अब इसके आगे क्योंकि मैं बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जस्ट टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज. आई रिपीट अगेन, हमको ये सारे फॉर्मूलाज एग्जाम में डिराइव नहीं करने होते हैं, लेकिन क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर. ठीक है, मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ, जस्ट लुक एट द फॉर्मूला, ध्यान रखो, हम वापस इस पे आएंगे. तो हमने क्या किया, हमारे पास एक पुल फोर्स था पी, दिस पुल फोर्स पी विल बेसिकली जस्ट मूव द ऑब्जेक्ट. तो हमको ये पी का इक्वेशन चाहिए, तो हमने पहले कर लिए कंपोनेंट्स, वेट वॉज डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन वॉज अपवर्ड, पुल वॉज एट सम एंगल अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, पी कॉस एंड पी साइन. पी कॉस विल ट्राई टू मूव द ऑब्जेक्ट बट फ्रिक्शन इज अपोजिंग इट, तो एफ इक्वल टू तुमको मिल गया पी कॉस अल्फा. एफ इक्वल टू म्यू आर इक्वेशन वन था, एफ इक्वल टू पी कॉस अल्फा इक्वेशन टू है, नॉर्मल रिएक्शन और पी साइन अल्फा ऊपर है, नीचे कौन है वेट. तो आर प्लस पी साइन अल्फा इक्वल टू डब्ल्यू, तो R इक्वल टू डब्ल्यू माइनस पी साइन अल्फा. इक्वेशन नंबर वन में टू वर्स से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यू गेट पी कॉस अल्फा इक्वल टू म्यू डब्ल्यू माइनस पी साइन अल्फा. व्हाट इज म्यू? टैन थीटा. व्हाट इज टैन थीटा? साइन थीटा बाय
cos थीटा को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, p cos अल्फा, p cos अल्फा cos थीटा इक्वल टू w sin थीटा माइनस p sin अल्फा sin थीटा। जो फाइंड करना है उसको लेफ्ट साइड में लाओ, p फाइंड करना था तो p में, p जिस जिस टर्म में सबको लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, p कॉमन निकाल लिया, यू हैव cos अल्फा cos थीटा प्लस sin अल्फा sin थीटा, तो cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा, एंड सॉल्व इट एंड यू गेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। याद है क्लियर। अब यह था मिनिमम पुलिंग फोर्स, अब देख लेते हैं मिनिमम पुश फोर्स। तो अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू पुश द ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ पुल द ऑब्जेक्ट। यहां मोशन स्टार्ट करने के लिए हमने पुल फोर्स लगाया था, अब हम लोग पुश फोर्स लगाएंगे। तो सेकेंड टाइप इज मिनिमम पुशिंग फोर्स, मिनिमम पुशिंग फोर्स पी, अगेन अप्लाइड एट एन एंगल अल्फा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो यहां पे व्हाट यू विल हैव इज मिनिमम पुश फोर्स, पुशिंग फोर्स पी। बाकी सब तो सेम है, एक सरफेस था उस पर एक ऑब्जेक्ट है, तो आपको कंपोनेंट्स तो अभी, चलो कंपोनेंट्स तो बाद में निकालते हैं। ये कौन है, वेट एम जी डब्ल्यू, ठीक है, ये कौन है, ओके गुड, तो दिस इज आर। हम लोग यहां पे कौन सा फोर्स लगाने वाले हैं, पुश। तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया, एंड देन आई विल टेक, आई विल शो सम पुश फोर्स हियर, सो दिस इज पुश फोर्स, एंड दिस पर्टिकुलर पुश फोर्स पी इट इज मेकिंग एंगल अल्फा। कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है, फोर। तो इफ यू रिमेम्बर मैंने बताया था आपको कि इसको यहां शिफ्ट कर लेना, अगर ये अल्फा है तो ये भी कौन है, वर्टिकली अपोजिट, वेरी गुड। और ये फोर्स था आपका पी, तो पी का एक कंपोनेंट यहां जाएगा, कौन सा, पी कॉस अल्फा। तो ऑब्जेक्ट को मूव करने का कोशिश कौन कर रहा है, पी कॉस अल्फा, पिछले केस में भी यही था, यहां भी वही है। अपोज कौन कर रहा है, फ्रिक्शन, हाँ, तो यहां पे भी फ्रिक्शन है एफ, ठीक। सिर्फ एक छोटा सा चेंज हुआ, जो p sin अल्फा पहले वर्टिकली अपवर्ड्स था, वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, तो यह आ जाएगा p sin अल्फा। यहां तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर, गुड। अगेन द सेम प्रोसेस, f इक्वल टू म्यू आर इक्वेशन नंबर वन, f इक्वल टू p cos अल्फा इक्वेशन नंबर टू, r इक्वल टू वेट प्लस p sin अल्फा इक्वेशन नंबर थ्री, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन टू एंड थ्री यू विल हैव p cos अल्फा इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ w प्लस p sin अल्फा। फिर वही म्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, tan थीटा, ओके, tan थीटा मतलब sin थीटा बाय cos थीटा, तो एक स्टेप मैंने यहां पे रिड्यूस कर दिया सिर्फ p sin अल्फा। अब ये cos थीटा को लेफ्ट साइड में लेके जाओ तो क्या आ जाएगा, p cos अल्फा cos थीटा इक्वल टू w sin थीटा प्लस, पिछले केस में माइनस, यहां पे क्या है, प्लस p sin अल्फा sin थीटा, p वाले टर्म्स लेफ्ट साइड में, तो p cos अल्फा cos थीटा माइनस p sin अल्फा sin थीटा, दोनों में से p को निकाल लिया कॉमन, इक्वल टू w sin थीटा, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी इज कॉस ऑफ ए प्लस बी। यहां तो टेंशन नहीं है, यहाँ पे अल्फा प्लस थीटा, थीटा प्लस अल्फा लिखना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट सच थिंग्स हियर। तो p इक्वल टू कितना, w साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा। अभी तो दो ही इक्वेशन हुए, छह सात और आना बाकी है, तो द प्रॉब्लम हियर इज कितने इक्वेशन याद रखेंगे, एक ही चैप्टर में अगर 50-50 इक्वेशन आ जाएंगे तो याद तो रख नहीं सकते ना, लॉजिक। मैं इसलिए बोलता हूं, एक वर्ड मैंने खुद के लिए रखा है, ढांचा, स्केलेटन। लुक एट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मूला, ऊपर w साइन थीटा, नीचे cos, सिर्फ प्रॉब्लम है साइन का। तो जब पुल फोर्स हो माइनस, जब पुश हो प्लस, खत्म बात, राइट। तो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर थिंग्स, थोड़ा सा कोर मेमोरी पे कम प्रेशर डालो तो थिंग्स विल बिकम इजियर।
हाँ, लेकिन ये कब होता है? ये तब होता है जब आप मोबाइल साइड में रख के पूरे कंसंट्रेशन के साथ कोई थ्योरी टॉपिक पढ़ते हो, तो अपने आप आपको समझ में आता है कि फॉर्मूला तो सेम दिख रहा है, फिर डिफरेंस क्या है। दिस इज हाउ यू मेक ट्रिक्स फॉर योर सेल्फ। तो यू हैव टू रीड थिंग्स प्रॉपरली। आई से इट अगेन, मैं पूरे साल में कम से कम 100-200 बार बोलता हूँ, बिना थ्योरी के नीट JEE नहीं होता है। जब तक तुमको थ्योरी नहीं पता, तब तक ना तुम नीट क्लियर कर पाओगे, ना तुम JEE कर पाओगे। जब बेसिक आइडियाज नहीं पता, तो क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करोगे? तो दैट इज वाई थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इफ एग्जाम में ऐसे डेरिवेशन नहीं आएंगे, आई नो आप देखोगे, लेकिन ये पता है, स्टेप्स पता है, तो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होंगे। तो अगला आ गया, अभी हॉरिजॉन्टल सरफेस से हम लोग जाएंगे इंक्लाइन प्लेन पे। तो अगला टॉपिक है मिनिमम पुलिंग फोर्स पी टू मूव अ बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन। अब सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो गया, अभी हमको वापस से पुलिंग फोर्स पूछा है, लेकिन इस बार आपको पुलिंग फोर्स लगाना है ऑब्जेक्ट पे टू मूव द ऑब्जेक्ट अप एन इंक्लाइन प्लेन। तो अगला टॉपिक है मिनिमम पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स पी टू मूव एन ऑब्जेक्ट अप एन इंक्लाइन प्लेन। ये भी इजी है, अगेन इजी, डैम इजी। सिर्फ डिफरेंस क्या है फिर? ये जो प्लेन है ना, ये इंक्लाइन प्लेन है। एंड आई जस्ट डोंट रिमेम्बर मैंने यहाँ पे नाम क्या दिया था, शायद अल्फा बोला है, वट एवर इट इज ना, लैम्डा, चलो ठीक, लैम्डा, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। सिर्फ थीटा छोड़ देना। थीटा क्यों छोड़ देना? मैंने ऑलरेडी बताया आपको, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब तुम अल्फा लिखो या लैम्डा लिखो, क्यों लिख सकते हो? क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का जो भी नोटेशन है, हमने कोई रिजर्व नहीं करके रखा। एंगल ऑफ रिपोज इज जस्ट सम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर विच द बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। मैंने कहीं नहीं बोला कि मैं एंगल ऑफ रिपोज लैम्डा से डिनोट करूंगा, आई कैन यूज एनीथिंग आई वॉन्ट। तो ठीक है, ये फाइन, दैट इज ओके। थीटा छोड़ देना बस, थीटा डू नॉट यूज, क्योंकि आगे थीटा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, दैट इज ओके। ठीक, गुड, ओके। आई सी दैट यू वॉन्ट टू गो विद द नोटेशंस, ओके, नोटेशंस, नोट्स के नोटेशन, फाइन, डजेंट मैटर रियली। एक ब्लॉक है, वॉट इज योर टास्क? यू वॉन्ट टू टेक दिस ऑब्जेक्ट अप द इंक्लाइन प्लेन, लेके जाना है उसको। चलो ठीक है, इसको अप द प्लेन लेके जाते हैं, भाई लेके नहीं जाना, जस्ट जस्ट उसका मोशन स्टार्ट होना चाहिए। पहले, सबसे पहले, इवन बिफोर वी शो फोर्सेस, इंक्लाइन प्लेन पे कंपोनेंट्स क्या होते हैं? हाँ, ये तो आपका वेट आ गया वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यहाँ पे कौन होता है? W साइन लैम्डा, MG साइन लैम्डा, ओके। हाउ अबाउट दिस? ओके, वेरी गुड। तो दिस इज W, दिस इज W कॉस लैम्डा, दिस इज W, एक्सेलेंट, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन R। ये सरफेस स्मूथ हो या फ्रिक्शन हो, ये हमेशा रहने वाला है। तो ये अभी बेसिक है, तुमको इतना पता होना चाहिए। नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर अप्लाइंग, क्या कर रहे हो? कौन सा फोर्स? पुल फोर्स, यस। कहां पे? अप। बट इट इज मेकिंग सम एंगल, इफ यू सी, ऐसा ही होगा ना, ऐसा दिखाया कि ऐसा दिखाया है एंगल। तो ये हो गया आपका पी फोर्स, पुल फोर्स। ये एंगल कितना बोला है? अल्फा, गुड। तो कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, ये कौन? कॉस, ये कौन? ओके, गुड। तो ये आ गया पी कॉस अल्फा, सही है, और पी साइन अल्फा। डायग्राम हो गया कंप्लीट। नहीं, फ्रिक्शन कहाँ है? फ्रिक्शन कहाँ है? नीचे, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मूव द बॉडी, तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा? हाँ, वेरी गुड, डाउनवर्ड्स यहाँ आएगा फ्रिक्शन। तो ये आ गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स F। क्लियर, गुड। फिर वही,
एफ इक्वल टू म्यू आर, करेक्ट है ना। बॉलीवुड पिक्चर जैसा है ये पूरा कॉपी साउथ इंडियन मूवी का, थोड़ा मिर्च मसाला एक्स्ट्रा वो है, वैसा ही है सारा स्टोरी वही है, सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स है ना इंक्लिनेशन की वजह से। हाँ तो बताओ तो अभी कैसे करेंगे, पी कॉस अल्फा क्या काम कर रहा है, बैलेंसिंग। तो पी कॉस अल्फा इज ट्राइंग टू ओवरकम फ्रिक्शन प्लस, वेरी गुड, प्लस डब्ल्यू साइन लैम्डा। तो व्हाट इज एफ फ्रॉम हियर, पी कॉस अल्फा माइनस डब्ल्यू साइन लैम्डा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। व्हाट अबाउट नॉर्मल रिएक्शन प्लस पी साइन अल्फा, तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस पी साइन अल्फा इक्वल टू डब्ल्यू कॉस लैम्डा, तो यहां से आर मिल जाएगा डब्ल्यू कॉस लैम्डा माइनस, इक्वेशन नंबर थ्री। इसके बाद क्या किया था, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री इन इक्वेशन नंबर वन, तो वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर। एफ इज पी कॉस अल्फा माइनस W साइन लैम्डा इक्वल टू म्यू इंटू आर, व्हाट इज आर, W कॉस लैम्डा माइनस P साइन अल्फा, गुड करेक्ट। और कहीं पे लगे कि कुछ गलती हो रही है तो क्रॉस चेक्स बहुत सारे होते हैं, जैसे लैम्डा के दोनों कंपोनेंट देखेंगे तुमको कॉस और साइन, और अल्फा के भी दोनों देखेंगे कॉस एंड साइन। अगर लेफ्ट साइड पे साइन लैम्डा है तो राइट साइड पे कॉस होगा, अगर यहाँ पे कॉस अल्फा तो राइट साइड पे साइन होगा, दैट इज हाउ यू क्रॉस चेक। तो ये आ जाएगा आपके पास पी कॉस अल्फा माइनस डब्ल्यू साइन लैम्डा, म्यू क्या था टैन थीटा, टैन थीटा क्या था साइन बाय कॉस, उसका कॉस लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया तो क्या आ गया इनटू कॉस थीटा। मैं जानबूझ के हर एक टॉपिक में एक एक स्टेप निकाल रहा हूँ बिकॉज दिस इज वॉट यू नीड टू डू। फिर यहाँ पे क्या बचेगा साइन थीटा, डब्ल्यू कॉस लैम्डा माइनस पी साइन अल्फा, कॉस थीटा को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, वहां पे साइन थीटा को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, तो मिल जाएगा पी कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू साइन लैम्डा कॉस थीटा इक्वल टू डब्ल्यू, यहाँ पे साइन लैम्डा कॉस थीटा था, वहां पे कॉस लैम्डा साइन थीटा माइनस पी साइन अल्फा साइन थीटा, P वाले टर्म्स एक साइड पे बाकी सब दूसरी साइड पे, तो P cos अल्फा cos थीटा प्लस P कॉमन निकाल लिया sin अल्फा sin थीटा इक्वल टू W कॉमन निकाल लिया मैंने cos लैम्डा sin थीटा प्लस sin लैम्डा cos थीटा, ठीक है सही है, कोई डोंट वरी इट्स ओके इफ यू वॉन्ट। देखो ये ना मल्टीप्लीकेशन में तुम किसको पहले लिख रहे हो किसको बाद में लिख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इफ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट डू दिस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्म बन जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज वॉट आई एम टेलिंग यू, हो गया ये ठीक है अब ओके। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आया P cos of, हाँ क्या लिखे अल्फा माइनस थीटा, क्योंकि cos अल्फा cos थीटा प्लस है तो फिर वो माइनस आएगा बीच में, और राइट हैंड साइड पे W साइन ऑफ साइन ए cos B प्लस cos A साइन B, तो साइन ऑफ A प्लस B, तो ये आ गया P इक्वल टू W साइन थीटा प्लस लैम्डा अपॉन cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा। मैंने तो पहले बता दिया था पुल फोर्स, तो नीचे क्या आएगा माइनस है yes। अभी इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, अब जो आपने पिछले दो टॉपिक सीखे उसको भूल जाओ, क्योंकि ये टॉपिक दिस इज अ सेट और वो पिछले दो सबसेट थे, सबसेट मतलब इसी से वो दो बन जाएंगे, पुल है तो नीचे क्या आएगा माइनस। अब इमेजिन कि जो इंक्लाइन प्लेन है वो इंक्लाइन नहीं होता तो लैम्डा की वैल्यू क्या आती, हाँ तो लैम्डा की वैल्यू जीरो डालो, क्या आ गया W sin lambda upon cos of alpha minus, sorry, W sin theta upon cos of, तो फिर वही तो इक्वेशन था दिख रहा है ये W sin theta upon cos of alpha minus theta, सिर्फ यहाँ पे प्लेन इंक्लाइन था क्या, नहीं
सेम थिंग, गुड, बराबर, क्लियर यहां तक हो गया। अब इसके बाद है मिनिमम, कौन सा फोर्स, मिनिमम पुलिंग फोर्स, लेकिन इस बार हमको बॉडी को डाउनवर्ड लाना है, तो ठीक है। तो मिनिमम पुलिंग फोर्स पी टू मूव अ बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन। फोर्थ नंबर, यहां तक हो गया ना थर्ड, ठीक है। तो यू हैव मिनिमम पुलिंग फोर्स पी टू मूव अ बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन। हंसो मत, यहां तक आवाज आती है। Unfortunately, sound is longitudinal wave which requires air as a medium and there is air between your throat and my eardrums. Or unfortunately for you, I have very strong sense of, I mean strong hearing power. तो मैं आपके हंसी से समझ सकता हूँ कि कौन हंस रहा है। That is why I told you कि one bench one student policy. आपको JEE सीखना है ना, JEE नीट, तो उसके लेवल पे जाना है तो फिर ये सब करना पड़ेगा। हो गया, गुड। हंसो पर क्लास में नहीं, है तो क्लियर, मतलब थ्योरी वाइज क्लियर है, क्लियर है क्या? ये एंगल क्या लिया था हमने, ठीक है। तो आई कीप द नोटेशन सेम, बाकी फिर आपको तो पता ही है, कंपोनेंट्स यू नो बेटर देन मी नाउ। व्हाट इज दिस वन, वेट, W, ओके, एंड हाउ अबाउट दिस वन, W साइन, अरे W साइन लैम्डा, वेरी गुड, W साइन लैम्डा। हाउ दिस वाज W, व्हाट अबाउट दिस वन एंड दिस वन, नॉर्मल रिएक्शन, गुड। अब दिस टाइम यू आर सपोज टू ब्रिंग द बॉडी डाउन बट विथ अ पुल फोर्स, पुल विच इज मेकिंग सम एंगल अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, नॉट हॉरिजॉन्टल। डायग्राम देखो ना, वहां पे दिया हुआ है ना आपको नोट्स में, अल्फा एंगल किसके साथ बना, इंक्लाइन प्लेन के साथ, वेरी गुड, सही है, हाँ। तो ये एंगल क्या है, अल्फा है, ये कौन है, पी कॉस, ठीक है, दिस इज पी कॉस अल्फा। अगर ये पी कॉस अल्फा है तो यहां पे कौन जाएगा, पी साइन अल्फा, वेरी गुड, दिस इज पी साइन अल्फा। ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउन तो फ्रिक्शन कहां होगा, अपवर्ड्स, अप द इंक्लाइन प्लेन, तो ये हो गया फ्रिक्शन, अदर क्लियर, गुड। फिर वही सेम स्टोरी, F इक्वल टू म्यू आर, इक्वेशन नंबर वन, दिस टाइम F इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन, F इज इक्वल टू P cos अल्फा प्लस W sin लैम्डा, इक्वेशन नंबर टू, ओके। व्हाट अबाउट नॉर्मल रिएक्शन, W cos लैम्डा माइनस P sin अल्फा, W cos lambda minus p sin alpha, equation number 3। अब ये equation number 2 और 3 equation 1 में substitute कर दोगे, so therefore from equation number 1, 2 and 3 कर दो substitute, तो p cos alpha plus w sin lambda equal to mu, mu is tan theta of course, तो sin theta by cos theta, डायरेक्ट लिख देता हूं, sin by cos into r, r is w cos lambda minus p sin alpha, cos theta को shift कर देंगे, तो p cos alpha plus w sin lambda into cos theta, confused तो नहीं हो गए ना, physics चल रहा है, maths नहीं है, दिस इज विच लेक्चर, हाँ वेरी गुड, तो याद रखो, तो साइन थीटा w cos लैम्डा माइनस
पी साइन अल्फा, ठीक है। फिर वही सारा प्रोसीजर वापस वही, पी कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस डब्ल्यू साइन लैम्डा कॉस थीटा इक्वल टू डब्ल्यू। यहाँ पे साइन है कॉस भी लिखा तो वहाँ पे कॉस है साइन भी कर लेंगे, साइन थीटा माइनस पी साइन अल्फा साइन थीटा। पी यहाँ पे आ गया कॉमन निकल गया, कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा इक्वल टू डब्ल्यू कॉमन आ गया, कॉस लैम्डा साइन थीटा माइनस साइन थीटा सॉरी साइन लैम्डा कॉस थीटा। पी कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा, कौन सा फोर्स था? पुल, तो माइनस आने ही वाला था। जब भी पुल फोर्स तो माइनस आएगा ही, वहां पे क्या लिखोगे? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, वही फॉर्मूला है। हाँ थीटा माइनस लैम्डा, ठीक है अभी समझ लेना तुम। क्या लिखेंगे? साइन थीटा माइनस लैम्डा, तो हो गया पी इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा माइनस लैम्डा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। देखो अब दिस इज डन, इसके बाद हम अभी कम से कम पुल पुश की तो बात करेंगे, एक आखिरी टॉपिक है वो देख लेंगे उसके बाद। अब याद कैसे रखते हैं, वन लास्ट टाइम, अगर पुल फोर्स हो तो डिनोमिनेटर में क्या आता है? कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा है ना, राइट। और पुश हो तो अल्फा प्लस थीटा। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, राइट करेक्ट। अगर इंक्लाइन प्लेन हो और तुम पुल कर रहे हो अप अप तो साइन ऑफ थीटा प्लस लैम्डा, और अगर डाउन थीटा माइनस, राइट। अभी इसको भी तुमको थोड़ा सा और सिंपल करना है, तो डाउन मतलब बीच में माइनस और अप मतलब बीच में प्लस, हो गया यहाँ तक क्लियर, गुड। अब एक लास्ट केस है, दैट इज मिनिमम फोर्स टू अवॉइड द स्लाइडिंग ऑफ अ बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो एक लास्ट है, मिनिमम फोर्स टू अवॉइड स्लाइडिंग ऑफ अ बॉडी डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। इस पर क्वेश्चन भी आया है, जेई नीट दोनों में आया है, और इजी केस है कंपैरेटिवली। केस नंबर 5, मिनिमम क्या फोर्स, मिनिमम फोर्स टू अवॉइड, क्या अवॉइड करना है? स्लाइडिंग ऑफ अ बॉडी डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, ऑफ अ बॉडी डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। अब डिफरेंस पहले समझ लो, अब तक के जितने भी केसेस हमने देखे, हमको उन केसेस में बॉडी को जस्ट मूव करवाना था, मतलब वी वॉन्टेड टू द बॉडी टू मूव, इसलिए हमने फोर्स लगाया विच विल बेसिकली मेक द बॉडी जस्ट मूव। फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो तो पुल एंड पुश, इंक्लाइन प्लेन पे हो तो पुल टू मूव द बॉडी अप द इंक्लाइन प्लेन एंड पुल टू मूव द बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन। यहाँ केस उल्टा है, यहाँ बॉडी मूव हो रहा है, हमको होने नहीं देना है, इसलिए क्या बोला है? मिनिमम फोर्स टू अवॉइड द स्लाइडिंग ऑफ अ बॉडी डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन। इसका मतलब ये भी होता है कि जो भी तुम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लोगे वो एंगल ऑफ रिपोज जितना है या उससे ज्यादा है, क्योंकि याद है कि एंगल ऑफ रिपोज डिफाइन कैसे किया था, इट इज द मिनिमम एंगल मेड बाय द इंक्लाइन प्लेन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल सच दैट द बॉडी जस्ट मूव्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो ये एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई, तुमको नहीं भी याद रहा डज नॉट मैटर, सिर्फ तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो हमारे पास जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो एंगल ऑफ रिपोज जितना कम से कम है, तब तो जाके वो बॉडी नीचे स्लाइड डाउन होगा ना, नहीं तो होगा ही नहीं। जब तक एंगल ऑफ रिपोज तक पहुंचता नहीं तब तक कौन सा फोर्स डोमिनेट करता है? फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ रिपोज आ गया और उसके आगे W साइन लैम्डा, इट स्टार्ट डोमिनेटिंग फ्रिक्शन। तो याद कैसे रखते हो? एंगल ऑफ रिपोज से कम पे फ्रिक्शन ज्यादा है और वेट का साइन कंपोनेंट कम है, तो फ्रिक्शन मूव नहीं होने देगा। एंगल ऑफ रिपोज के बाद वेट का साइन कंपोनेंट ज्यादा है और फ्रिक्शन कम है, तो बॉडी विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। तो ये पहले याद रख लेना आप। अब कंडीशन ऐसा है, बाकी तो सब वही सब फोर्सेस है,
ओके, ये इसका प्रॉब्लम ही रहता है हमेशा। ओ फाइनली सक्सेस। एनीवेज आई डोंट रिमेंबर द नोटेशन दैट आई हैव यूज, या इसको लैम्डा ही बोला था क्या? हाँ चलो ठीक है, ये तो सिंपल है, ये तो W आएगा, ये भी सिंपल आ गया, ये भी सिंपल आ गया, दैट इज समथिंग यू शुड नो नाउ। तो W cos दैट इज R एंड दिस वन इज W sin। चलो यहाँ तक ठीक। बॉडी स्लाइडिंग डाउन मतलब फ्रिक्शन विल बी अपवर्ड्स, तो यहाँ पे आ गया फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन है। The body is sliding down and we don't want it to slide down. तो क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। तो क्या करेंगे अब, कैसा फोर्स लगाएंगे? पुश फोर्स। तुम नीचे से इसको रोकोगे ना, नीचे से उसको रोकोगे ऐसा। तो जब तुम रोकोगे उसको तो अभी उसमें दो तीन conditions बनती है। एक तो तुमने डायरेक्टली ऐसा हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया रोकने के लिए, राइट? या तो फिर ऐसा लगा दिया, बोथ विल वर्क। हाँ पुल भी कर सकते हैं, लेकिन हमको जो केस दिया उसमें पुश है, तुम नीचे से रोक रहे हो, तो पुल भी हो सकता है, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू कैन हैव वैरायटी ऑफ केसेस। तो ऐसा पुल भी हो सकता है, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है पुश, ऐसा भी हो सकता है पुश, ऐसा भी पुश हो सकता है। अभी क्या है, इतने सारे केसेस तो हम डिस्कस कर नहीं सकते, तो जो एक केस है वो ही देख लेंगे। कौन सा केस है आपके बुक में, नोट्स में? पुश है ना, कहाँ गया? हाँ पुश है, वेरी गुड। ओके तो ये पुश ही है, ये फोर्स इधर लग रहा है, इधर ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है। पर मैंने तुमको क्या बताया, फोर्स को तुम कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, तो इसको यहां शिफ्ट करके बता दिया। तो यू फील इट इज लाइक अ पुल फोर्स, दैट इज नॉट अ पुल फोर्स, ये नीचे से पुश हो रहा है, सिर्फ मैंने उसका क्वाड्रेंट चेंज कर दिया। चलता है ना, ऐसा कर सकते हैं ना, पक्का पक्का? ये एंगल कितना है, अल्फा? ओके अल्फा। फिर ये क्या आ जाएगा, पी कॉस, और ये पी साइन। दिस इज लाइक पी। ओके तो यहां पे जाएगा पी कॉस अल्फा, और ये आ जाएगा पी साइन अल्फा। गुड दैट्स इट। कोई और फोर्स इन्वॉल्व है? नहीं, बॉडी फ्रिक्शन हो गया ना, बॉडी नीचे आ रहा था तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है, हमने इसको रोकने के लिए पी फोर्स लगा दिया एट एन एंगल अल्फा, तो दो कंपोनेंट्स हो गए। तो फिर वही स्टैंडर्ड प्रोसेस, एफ इक्वल टू म्यू आर, इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज एफ? व्हाट माइनस व्हाट? डब्ल्यू साइन लैम्डा माइनस पी कॉस अल्फा। तो एफ इक्वल टू डब्ल्यू साइन लैम्डा माइनस पी कॉस अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। व्हाट अबाउट नॉर्मल रिएक्शन? W cos lambda minus P sin alpha, equation number 3। तो from 1, 2 and 3 just substitute, you will have W sin lambda minus P cos alpha equal to mu, which is sin theta by cos theta, because mu is tan theta। तो ऐसा लिख दो, sin theta by cos theta, sorry। And R, what is R? W cos lambda minus P sin alpha, cos theta वहां जाके मल्टीप्लाई कर लोगे, तो यू हैव W sin lambda into cos theta minus P cos alpha cos theta equal to W cos lambda sin theta and माइनस पी साइन अल्फा साइन थीटा। फिर वही पी वाले टर्म्स एक साइड। ओके तो ये पी साइन अल्फा साइन थीटा यहाँ पे आके पॉजिटिव हो गया, और माइनस कॉस अल्फा कॉस थीटा। आई वुड रिकमेंड नॉट डूइंग दिस, थोड़ा साइन का कंफ्यूजन हो जाएगा, इसके लिए मैं उल्टा कर लेता हूँ।
मैं इसको वहां भेज देता हूं, ओके ठीक। तो यह आ जाएगा W साइन लैम्डा कॉस थीटा माइनस माइनस कॉस लैम्डा साइन थीटा, ये वहां जाके पॉजिटिव हो गया, तो क्या आएगा P कॉमन कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा। यहां तक क्लियर? यस, पक्का पक्का। तो बता दो अब व्हाट इज दिस, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू पी कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा, तो व्हाट इज पी, साइन ऑफ लैम्डा माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा, आ गया। हाँ W तो रहेगा ना, कहाँ W, ऊपर, नहीं तो फिर फोर्स इक्वल टू एंगल डायमेंशनली इनकरेक्ट। तो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशंस अगर आए तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे W आए, फोर्स ऑफ फोर्स डायमेंशनली न्यूमरेटर में W होना चाहिए था, नीचे नहीं हो सकता, नहीं तो फोर्स इक्वल टू वन अपॉन फोर्स हो गया, वैसा नहीं होता है वो। क्लियर यहाँ तक? गुड, आई वॉन्टेड टू गो अहेड बट आई एम टायर्ड, तो हम लोग अभी कल कंटिन्यू करेंगे। एंड यू आर ऑल्सो टायर्ड, नहीं ठीक है, आई हैव टू स्टॉप हियर फॉर टुडे, ज़्यादा ओवरडोज हो जाएगा अदरवाइज, तो विल कंटिन्यू विथ मोर टुमारो।